छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर जारी है। राजधानी रायपुर से दिल्ली तक हलचलें तेज देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में सियासी कयासों के बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया। बताया जा रहा है कि तीनों ऑब्जर्वर्स शनिवार तक रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे और सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशवरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि या तो आज या कल ये विधायकों को जानकारी और सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। तीन राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बनाए गए दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सीएम को लेकर तमाम इंतजार जो है लंबा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है, सर अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से रही? घोषणा हुई है, अभी हम तीनों लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे, रायपुर में बैठेंगे, वहाँ पर विधायकों की राय लेंगे। जो विधायकों की राय होगी, क्योंकि विधायक और मुख्यमंत्री ही नहीं मिलकर चलाना होता प्रांत को, वो राय को अपने केंद्र को अवगत कराएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिस्कस करेगा, चर्चा करेगा, जो उनकी राय होगी वो सबको मान्य होगी। सर, विधायक दल की बैठक के संदर्भ में बात करें तो कब जो है टेंटेटिव अगर बात करें तो कब बुलाई जा सकती है, क्योंकि एक विधायकों की रायशुमारी एक बीजेपी में प्रक्रिया रहती है कि तमाम पर्यवेक्षक जाते हैं, बातचीत करते हैं। संभावना है कल ही, अभी राय करेंगे हम तीनों, बात करेंगे और उसके आपसे हो सकता है कल जाएंगे और जो भी समय लगेगा। सर, कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, अंतिम फैसला जो है विधायक दल की बैठक में और केंद्रीय आलाकमान लेता हुआ नजर आएगा, किस तरीके का फॉर्मूला रहता हुआ नजर आ सकता है, क्या कुछ जो है विचार विमर्श होगा लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, किस तरीके का फॉर्मूला जो है समझ रहे हैं? एक ही फार्मूला है कि विधायक ने विधायकों को मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर सेवा करनी होती है, समर्पण से काम करना होता है, किस प्रकार से योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का लक्ष्य होता है, वो सब उनकी संभावनाएं हैं और वो उनकी राय ली जाएगी। हमको राय लेकर केंद्र को अवगत कराना है और केंद्र का निर्णय करना है कि किसको मुख्यमंत्री की घोषणा करनी है, उस पर सब सहमति हुई है। तो ये दुष्यंत कुमार गौतम जी थे, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज़, दिल्ली।